हेलो एवरीवन, फ्रेंच फ्राइज़ खाना बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है और घर में ही अगर ऐसे गर्मा गर्म फ्रेश फ्रेंच फ्राइज़ मिल जाए तो क्या बात है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हूँ मैकेन की फ्रेंच फ्राइज़ की एक रिव्यू और कुकिंग डेमो भी आप लोगों को मैं दे दूँगी। और इस पैकेट की और एक खास बात है, अभी 420 ग्राम फ्रेंच फ्राइज़ के साथ मैकेन के आप लोगों को मिल रहे हैं 180 ग्राम इमोटी बाइट्स यानी स्माइलीज फ्री मिल रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर ये पैकेट खरीद सकते हो, ऑनलाइन भी आप लोगों को मिल जाएंगे और ऑफलाइन भी ये पैकेट मिल जाएंगे। अभी है फेस्टिवल के टाइम और साथ में ही विंटर वेकेशन भी है, तो बच्चे के लिए आप लोग ये पैकेट जरूर खरीद सकते हो। तो अभी थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। देखिए ये इसमें है 420 ग्राम जो फ्रेंच फ्राइज और साथ में ही 180 ग्राम इमोटी बाइट्स यानी 600 ग्राम की पैकेट है। और फ्रेंच फ्राइज की पैकेट में पोटेटो और पाल्मोलिन ऑयल से ही बनाया गया है और साथ में भी पोटेटो फ्लैक्स और कुछ कॉर्नफ्लोर वगैरह मिला के ये बनाया जाता है। तो देखिए ये मैंने पैकेट खोल लिया है और इसके अंदर ये मिला है मुझे 180 ग्राम इमोटी बाइट्स, ये बिल्कुल फ्री है। और ये है देखिए ये मैकेन की जो मेन मतलब फ्रेंच फ्राइज है वो 480 ग्राम मिल रहा है। और देखिए ये है, मैं अभी आप लोगों को इसको बनाने की प्रोसेस भी दिखा दूंगी। और देखिए इसको जस्ट फ्रीज़र से निकाल के ही आप लोगों को बनाना है डीप फ्रीज में, और 170 सेंटीग्रेड तक आप लोगों को जो ऑयल है उसको हीट करना है और 3 मिनट्स में ही बहुत ही क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज घर में बन जाते हैं। अगर आप लोग थोड़ा हेल्दी खाना चाहते हो तो आप लोग इसको बेक भी कर सकते हो एयर फ्रायर में भी। और इसके लिए भी इसकी प्रोसेस है और रेसिपी भी एक शेयर किया गया है कैसे आप लोग हनी चिली ये पोटैटो फ्रेंच फ्राइज बना सकते हो किड्स के लिए। और देखिए इसके एयर जो एक्सपायरी डेट है वो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स तक रह जाते हैं। और आप लोग एक बार बना के इसको फिर से डीप फ्रीज में रखना है। तो मैंने ऑयल गरम कर लिया है और देखिए ये एकदम क्रिस्पी बन जाएंगे मेरे घर में ही ये 3 मिनट्स में ही। आप लोग फिर ज़रूर बना सकते हो, प्राइस भी बहुत ही रिजनेबल है और साथ में ही अभी फ्री भी मिल रहे हैं। और इसको ऐसे ही डीप फ्राई करना है सिर्फ 3 मिनट्स तक, एक बार होने से 1.5 मिनट तक आप लोगों को ऐसे रखना है और उसके बाद इसको बैक साइड में ऐसे पलट देना है और घर में ही बन जाता है ऐसे गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज। तो ज़रूर आप लोग इसको खा सकते हो और बच्चे को भी इस फेस्टिवल सीजन में दे सकते हो। देखिए मेरी फ्रेंच फ्राइज बन रही है, बहुत इजीली बन जाते हैं। और अभी बनने के बाद देखिए ये क्रिस्प कितना क्रिस्पी बना है। इसमें मैंने थोड़ा चाट मसाला और सॉल्ट ऐड कर दिया है, खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं और आप लोग सॉस के साथ इसको एंजॉय कर सकते हो। तो बाय बाय।